पहुंच चुके हैं हम यूनिवर्सल स्टूडियोज में। आज सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की हुई है क्योंकि आज फाइनल है। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जिसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सिंगापुर में हूँ मैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो अभी सो के उठा हूँ, आंखों से मेरी पता लग रहा होगा। खैर, आज का प्लान जो है वो सिंगापुर के अंदर मौसम यहाँ पे अंदर बैठ के देखो तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बाहर जाओ तो थोड़ी गर्मी फील होती है, बादल शादल अभी आए हुए। खैर, आज का प्लान सिंगापुर के अंदर है। आज एक तो रेस है फाइनल, वो तो है शाम को 8 बजे शुरू होनी है। उसके बाद यहाँ पे चाइना टाउन है, हॉलैंड विलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो अभी 12:30 हो चुके हैं, मैं होटल से निकलूँगा, शायद मैं अभी यूनिवर्सल स्टूडियोज जाऊँगा, वो बाकी निकल के बताता हूँ। अच्छा भाई, सिंगापुर के अंदर खुल जा सिम हो जा। सिंगापुर के अंदर फिरने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका, अगर आप लौंडे लपाड़े हो या जवान जहान हो, तो MRT बसेज और ट्रेन्स बहुत रिलायबल है यहाँ पे। ये मैंने कार्ड भी बनवाया हुआ है पुठे स्पाइडरमैन वाला, इसके अंदर मैंने $25 बैलेंस करवाया था, लेकिन अभी जिस तरह फुल धूप निकली हुई है और जहाँ मुझे जाना है वो जगह है जहाँ पे F1 हो रही है उस एरिया में, तो F1 की वजह से कुछ रूट्स हैं जो बसेस के बंद हुए हैं। तो उसके लिए मुझे गूगल मैप्स ऑप्शन दे रहा है कि भाई तू यहाँ से उधर जा, उधर से फिर बस बदल, तो 2-3 बसेस बदल के वो कह रहे हैं वहाँ पहुँचोगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़, यहाँ से मुझे उसमें लग जाएंगे 54 मिनट्स। तो इसलिए मैंने ग्रैब बुक करवाई है, ग्रैब टैक्सी यहाँ पर चलती है, GRAB। आप ग्रैब की ऐप डाउनलोड कर लो और वो करके आप कहीं भी जा सकते हो। तो वही वो टैक्सी आ रही है मेरी $29 में, $29, और अगर मैं इससे जाता तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता $3.5 के अंदर, लेकिन बात वही है कि मुझे 53 मिनट लग जाने से वो टैक्सी मुझे ले जाएगी 12-13 मिनट में। या यूनिवर्सल स्टूडियो। अच्छा भाई, मैं कल भी सिंगापुर में फिरता रहा हूँ, परसों भी सिंगापुर में फिरता रहा हूँ, मैं अभी मतलब अभी फिर निकला हूँ सुबह। इतना ये खूबसूरत कंट्री है, छोटा सा प्रॉपर ग्रीनरी, इतना लश ग्रीन, आपको हर जगह ग्रीनरी नज़र आती है, रोड साइड पे दरख्त इतने ज़्यादा हैं, ये मतलब इसकी जो बिल्डिंग्स हैं और उसके बाद जो इसका वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है इसकी सारी बिल्डिंग्स का जो पुरानी है वो, मतलब मेरा अगर थोड़ा सा ये मुल्क ठंडा होता ना, ये मेरी फेवरेट तरीन लिस्ट के अंदर चला जाता। गर्म है, दुबई जैसा गर्म समझ लो इसको, इतना गर्म है ये, उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत है। एक बार मस्ट है, अगर आप कभी ट्रेवल करते हो और अगर सिंगापुर नहीं आए, मस्ट है भाई, वेल डिसिप्लिन्ड कंट्री। पहुंच चुके हम यूनिवर्सल स्टूडियोज, ये मेरे पीछे आपको एक आइकॉनिक इसका ग्लोब नज़र आ रहा है और सैड तो भैया, और अभी काफ़ी बड़ा ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप बगैर टिकट के घूम फिर सकते हो यूनिवर्सल स्टूडियोज, और साइड पे कुछ चॉकलेट शॉप्स हैं, उसके अलावा एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक दो और चीज़ें, इस तरफ कैसीनो का रास्ता है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से टिकट लेना है, टिकट लेके फिर मैं अंदर जाऊँगा। अच्छा भाई, यहाँ पे उस साइड पे टिकट काउंटर है जहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, और इस साइड पे इन्होंने काफ़ी सारी मशीन्स लगाई हुई हैं कि आप कार्ड पेमेंट से बगैर किसी लाइन में आए हुए टिकट ले सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरा कार्ड चल गया, वैसे चल जाता है, यूज़ किया हुआ मैंने इधर उधर, देखता हूँ चलता है कि नहीं। खैर, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ सेलेक्ट, 1 डे टिकट सेलेक्ट, $8, $81 धूप में $8 नज़र आ रहा था, मैं कहा ये क्या है। कार्ड पेमेंट डन, $81 का मुझे 1 डे टिकट मिला है, और $81 जब भी मैं यहाँ सिंगापुर वाली वीडियोस में डॉलर की बात कर रहा हूँ तो सिंगापुरियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, विच इज़ $1 इज़ इक्वल टू 159 PKR, तो फिर भी 12-13 हज़ार रुपये का टिकट है एक दिन का। ओए होए होए यार, अंदर आते ही जो एकदम से माहौल चेंज हुआ है, ये पीछे चेक करो, हॉलीवुड क्या मतलब, इन्होंने ऊपर एक जो है ना वो ट्रांसपेरेंट टाइप शीट लगाई है, तो वो अंदर आते ही मुझे लग रहा है बादल आ गए हैं और बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया है, डिफरेंट मूवीज़ के कैरेक्टर्स फिर रहे हैं, हैवी सीन है यार। अभी तो मैं एंटर हुआ, वो भी आगे देखते हैं क्या बनता है। Wow.
Assalamualaikum. जनाब क्या हाल है? सर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है ना? यू नो मेरा यूट्यूब रेवेन्यू इतना नहीं है, हम मैं यहाँ पे कभी कभार जो है लाइन में लग जाता हूँ. तौबा तौबा, अमीर आदमी कार्ड से पेमेंट करके ठक अंदर हम लाइन में. भाई है वो, मेरा भाई है, ठीक है, मैं नहीं हूँ. हम लाइन में बिजनेस में है ना, मेरा भी है. क्या प्लान है यार? यार सर रोलर कोस्टर. रोलर कोस्टर डायरेक्ट? सही वाली है ये? हाँ सर डायरेक्ट. मुझे नहीं ली जानी. नहीं क्यों, तेरी हाइट बहुत ज्यादा है. नहीं मतलब मैं से लग जाएगा. कभी नहीं ली जिंदगी में. सर देखो फॉर्मूला वन वाला रश अगर हमें चाहिए ना. हाँ ये तो है, रोलर कोस्टर की रोलर कोस्टर लेनी है. लेकिन ऐसे से आप ठीक है? अच्छा लेकिन मेरी रोलर कोस्टर से हमेशा से यार, अभी मैं उसको देख रहा हूँ, एक तो वो जाती इतनी स्पीड में, ऊपर से मैं देखता हूँ. ये तो फायदा, इतनी तेज जाती है आपको पता नहीं चलता, बाद में एकदम आपकी जो है ना अंतर जगह पे नहीं चलता कब आपका सब बीच में निकल जाता है. ये चेक करो पीछे किधर तक वो जा रहा है और क्या सीन है और वो कितनी स्पीड में लोग जा रहे हैं. मैं कोशिश करूंगा मैं ले लूँ खवातीन हजरात, कोई वादा नहीं. इतना मसला कोई नहीं है, इजी है ये, बिल्कुल इजी है. मैं वैसे ही नहीं गया, मेरा बाहर खड़ा होके माहौल एंजॉय करने का दिल कर रहा था, यू खानों चला गया रोलर कोस्टर पे. ऐसे इजी है, स्मूथ है, हल्की चीज़ें नहीं लेता मैं, थोड़ी मुश्किल होती तो मैं ले. भाई अपना कोई चक्कर नहीं है इस पर फिलहाल, मैं तो नहीं गया. अच्छा यार यूनिवर्सल स्टूडियोज़ बहुत मज़े की जगह है, लेकिन ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए, या मतलब जो फैमिली है उसमें दो बच्चे हैं आप उन्हें इंजॉय करवाना चाहते हो तो बहुत मज़े की जगह है. डिफरेंट यहाँ पे मूवीज़ के सेट टाइप लगे हुए हैं, कुछ मूवीज़ के कैरेक्टर्स हैं और इस तरह की चीज़ है, मज़ेदार है. अगर बच्चे हैं तो ज़्यादा इंजॉय हो पाएगा, ऐसे अच्छा है बस देखने के लिए. उसके अलावा अंदर कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये जो पीछे आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं काफ़ी सारी, ये किसी कार्टून कैरेक्टर की गिफ्ट शॉप है. जिस तरह ये वाली पूरी शॉप जो है मिनियन रश की है. उसके अलावा आगे जो है वो बाकी मिनते कार्टून के नाम आते नहीं, जितने भी मैंने आपको चलते फिरते भी दिखाए हैं वो वाले जो कार्टून हैं उनकी पूरी पूरी गिफ्ट शॉप है. उसके अंदर हर चीज़ उस कार्टून रिलेटेड होगी. थैंक यू. कॉफ़ी ली है मैंने, और ये पहले भी दो तीन जगह पे मेरे साथ हुए, पीछे से कुछ चीज़ें खरीदी हैं मैंने, और यहाँ पे भी ये कैशलेस चल रहे हैं भाई. अगर आपने पेमेंट करनी है तो, अगर आपने कैश पेमेंट करनी है पूरे पूरे पैसे दो. फॉर एग्जांपल मेरे बने अगर $9.10 तो आप $9.10 ही दो, क्योंकि उनके पास चेंज नहीं होता कैशलेस करने के लिए. अदरवाइज़ कार्ड से पेमेंट करो तो वो परफेक्ट है. अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए, कैशलेस कर दो सारा कुछ. मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो, मज़े ही आ जाए. आज सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की हुई है क्योंकि आज फाइनल है, और अभी हम बढ़ रहे हैं गेट नंबर 2 की तरफ रेस के लिए. ऊपर से बादल शादल आने शुरू हो चुके हैं और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है. F1 जोन में हम एंटर हो चुके हैं. एंटर होने के बाद ये सीन है, यहाँ पे फूड कोर्ट टाइप है, लोग बैठ के खाने शाने खा रहे हैं, इधर सारा फूड है और इस तरफ भी फूड है, और यहाँ पर है मर्चेंडाइज, ऑफिशियल मर्चेंडाइज फरारी की, मर्सिडीज़ की और बाकी सारी टीम्स की. ये पूरा मर्च स्टोर है, इसका मैं एक छोटा सा टूर आपको देता हूँ. ये सारी शर्ट्स मर्सिडीज़ एस्टन मार्टिन मैक्लारेन. ये पूरा नीचे सारे साइजेस पड़े होते हैं, और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है रेड बुल. सबसे खूबसूरत मुझे मर्च जो लगी है वो रेड बुल की लगी है, चेक करो क्या प्यारी ब्रांडिंग है. उसके बाद फिर मर्सिडीज़, ये सारी कैप्स हैं इस तरफ, सबसे प्यारी है रेड बुल की और मर्सिडीज़ की, इनके डिज़ाइन सबसे खूबसूरत हैं, वाइट ब्लैक कलर है सारा आगे एंड पे. हाँ फरारी की दिखाता हूँ, वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल है वो फरारी. और फरारी के आगे मर्सिडीज़ चिपका दी है.
फरारी फरारी हाँ, इसकी असल गेम है इस जैकेट की। ओए होए होए होए, इस जैकेट पे दिल मेरा बहुत आया था। पहले मैंने सोचा इतनी महंगी है लेके क्या करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मौका ज़िंदगी में दोबारा मिले ना मिले, तो मैंने दिल पे पत्थर रखी ये वाली जैकेट ले ली है और दूसरी ब्लैक मर्सिडीज कैप ले ली। कॉन्सर्ट चल रहा है और बारिश शुरू हो चुकी है, आवाम दौड़ी फिरती पड़ी है। मजा चुरा दे दे। ओके ओके ओके, ओए होए होए होए। Singapore, get to your feet. We are corners away now.